हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्रिकेट के ताजा अपडेट में। दोस्तों यहां पर आपको जानने को मिलेगा क्रिकेट से जुड़ी ताजा अपडेट, अतः वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए टीम का हिस्सा है। इसी के साथ विराट के पास साल 2023 में सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में शतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ने का बेहद शानदार मौका है। और वहीं इस मामले में पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया और श्रीलंका के हेड टू हेड T20 में आखिरी बार भारत को मिली थी हार, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ भारी है टीम इंडिया का पलड़ा। भारत और श्रीलंका के बीच इससे पहले 9 T20 सीरीज हुई है, जिसमें श्रीलंका का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। श्रीलंका ने आज तक भारत में कोई भी T20 सीरीज नहीं जीती है, जबकि कुल मिलाकर भी सिर्फ एक बार श्रीलंका भारत के विरुद्ध T20 सीरीज जीतने में सफल रही है। 7 बार सीरीज भारत ने जीती है, जबकि केवल एक बार श्रीलंका ने जीती है और एक बार सीरीज ड्रा हो गया था। इंडिया और श्रीलंका T20 सीरीज में खतरे में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। श्रीलंका के कप्तान दानुश सानका के पास सुनहरा मौका। मेहमान टीम के कप्तान दानुश सानका के पास मौका होगा कि वह सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ पाए और एक नंबर के खिलाड़ी भी बन जाएंगे। गाइस इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या श्रीलंका के कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इंडिया और श्रीलंका सीरीज में पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या को T20 में भारत की स्थायी कप्तानी देने को लेकर चयनकर्ताओं को चेताया। इरफान पठान का कहना कि चयनकर्ता हार्दिक पांड्या की कप्तानी को समय देते हुए गुजरात टाइटंस के कप्तान की फिटनेस पर भी नजर रखें। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। श्रीलंका पर भारी पड़ सकती है अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक की जोड़ी। बुमराह और शमी की जगह टीम में मिला मौका। भारतीय टीम की रिव्यू मीटिंग मुंबई में समाप्त हो गई है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन BCCI ने केवल चोट और कार्यभार प्रबंधन के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी योजनाओं का खुलासा किया है। रिव्यू मीटिंग में लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्याओं को देखते हुए BCCI ने रविवार को खुलासा किया है कि आगामी IPL 2023 के लिए NCA सभी खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखेगी। गाइस BCCI के इस फैसले पर आपकी क्या राय है। ऋषभ पंत की हालत में आ रहा है सुधार, ICU से प्राइवेट वार्ड में किए गए शिफ्ट। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या एंड टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करेगी प्रैक्टिस। BCCI रिव्यू मीटिंग में रोहित शर्मा की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है, 2023 के लिए बने रहेंगे टेस्ट और वनडे के कप्तान। इरफान पठान ने BCCI चयनकर्ताओं को चेताया, हार्दिक पांड्या को लॉन्ग टाइम T20 कप्तान बनाने पर हो सकता है गुजरात टाइटंस को नुकसान। भारत और श्रीलंका पहले T20 पिच की रिपोर्ट में कुछ बातें खास मायने रख सकती हैं। इस पिच में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। गेंदबाजों के लिए मदद शुरुआती में मिलेगी, अंतिम के 3 ओवर डेथ के होते हैं और यहां बल्लेबाजों को फायदा होता है, लेकिन यहां इसके उलट देखने को मिल सकता है। मिडिल में सबसे अधिक रन बनाए जा सकते हैं। अगर टीम सिर्फ अंतिम ओवरों में रन की तलाश पर रहेगी तो गेंदबाजी टीम फायदा उठा सकती है। रात के समय होश गिरती है, जो दूसरी बल्लेबाजी करना तुलना में आसान रहेगा। मिडिल ऑर्डर में स्पिनर के लिए रनों की गति पर अंकुश लगाने की चुनौती रहेगी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में एक्शन में मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले जमकर कर रहे हैं प्रैक्टिस। भारत और श्रीलंका के बीच पहले T20 में ईशान किशन और लाहिरू कुमारा, सूर्य कुमार यादव और वा निंदू हसरंगा, अर्शदीप सिंह और प्रथम निशंका के बीच देखने को मिलेगी आपसी जंग। समीक्षा बैठक में BCCI ने ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए 20 खिलाड़ियों को किया शॉर्ट लिस्ट। और गाइस आप गेस करिए इन 20 खिलाड़ियों में टॉप 3 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका के पहले T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या ने जारी किया प्लेइंग 11 टीम, जिसमें ईशान किशन, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, युजेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल और उमरान मलिक को शामिल किया गया है। गाइस आप इन प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच शाम 7 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं लाइव तो इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं।